I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. महाराज की जय हो, महामंत्री विदुर जी पधार रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ। प्रणाम महाराज। आओ विदुर, आओ। इस समय तुम्हें महाराज ने नहीं बुलवाया है अनुज, मैंने बुलवाया है, तुम्हारे भ्राता श्री ने। आओ मेरे निकट बैठ जाओ। धन्यवाद महाराज। पितामह कैसे हैं विदुर? भगवान की कृपा है भ्राताश्री। विदुर, हम तीन भाई। इस दासी पुत्र को भाई मत कहिए महाराज। गंगा जल तो गंगा जल ही रहता है विदुर, गागर चाहे सोने की हो या मिट्टी की। माँ गागर नहीं होती भ्राताश्री, बीज अपने आप में तो कुछ भी नहीं होता जब तक उसे भूमि का स्नेह न मिले। बीज अंतरिक्ष में नहीं पनप सकता। यदि पृथ्वी का कोई महत्व न होता तो भगवान ने पृथ्वी बनाई ही ना होती। हम मातृभूमि वाले लोग हैं भ्राताश्री। दासी होने से मेरी माता का स्थान किसी और माता से नीचा तो नहीं हो जाता, परंतु मेरी पहचान केवल मेरी माता है। और मनुष्य को अपनी पहचान की डोर कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी। तुम इसी कारण मुझे अति प्रिय हो विदुर, तुम्हारी सोच बिल्कुल सीधी है। प्रिय पांडु पुत्रों का कोई समाचार? ये समाचार मिला है कि भीमसेन बलराम जी से गदायुद्ध की कला सीखकर अपने भाइयों से आ मिले और अब सब हस्तिनापुर ही की ओर आ रहे हैं। तुम्हारे विचार में उनके आ जाने के उपरांत मुझे क्या करना चाहिए? प्रिय युधिष्ठिर को राजा बनाकर वन की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए या फिर उनके राज्याभिषेक के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए? तुम तो जानते ही हो कि दुर्योधन कितना हठीला, वो अभी तक ठीक से यह समझ नहीं पाया है कि युधिष्ठिर ही को युवराज होना चाहिए था। तो क्या यह उचित नहीं होगा कि इसे थोड़ा समय और दिया जाए? यह निर्णय तो आप ही को लेना है भ्राताश्री, और यह निर्णय तो आप ले ही चुके हैं कि कुंती पुत्रों के लौटते ही युधिष्ठिर को वारणावत भेज दिया जाए। यह समाचार तुम्हें किसने दिया? यह समाचार पूरे नगर को मिल चुका है भ्राताश्री। अच्छा, तो फिर यह बताओ कि इस विषय में तुम्हें क्या कहना है, युधिष्ठिर को भेजू या ना भेजू? गंधार नरेश ने सुझाव दिया है तो सोच समझ कर ही दिया होगा महाराज। चंद्रमौली भगवान शंकर का उत्सव, अनेक जनजातियों के लोग इस उत्सव में ना केवल ये के आते हैं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, तो फिर वे भी अपने युवराज के दर्शन कर लेंगे। परंतु मेरे विचार में युधिष्ठिर का अकेले जाना उचित न होगा। क्यों? उनके अकेले जाने से लोग ये सोचना आरंभ कर सकते हैं कि राज परिवार में एका नहीं है, इसलिए या तो युधिष्ठिर के साथ दुर्योधन और दुशासन जाए कि प्रजा ये देख ले कि गांधारी पुत्रों ने ज्येष्ठ कुंती पुत्र को अपना युवराज मान लिया है, या फिर स्वयं भ्राताश्री चले जाएं और प्रजा से उनका परिचय करवाएं। ऐसा करने से लाभ होगा। प्रजा ये सोचने लगी है कि आपने किसी दबाव में आकर युधिष्ठिर को युवराज बना लिया है, पर आपका मन दुर्योधन ही के पक्ष में है। जनता के हृदय में इस प्रकार की आशंकाएं राजनीति के लिए ठीक नहीं है भ्राताश्री। जन समुदाय को राजा पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि आप साथ ले जाएं तो राजनीति का वातावरण ही शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा कहना विचारणीय है, मैं इस पर अवश्य विचार करूंगा।